हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल आज जो मैं टॉपिक शुरू करने जा रही हूँ ये ह्यूमन एक्सक्रीटिक सिस्टम का थर्ड पार्ट है जिसमें मैं एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर रही हूँ तो इसके आगे हम चलते हैं और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी देखेंगे तो ह्यूमंस द एक्सक्रिटिक सिस्टम कंसिस्ट क्या क्या है अ पेयर ऑफ किडनीज अ पेयर ऑफ यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर एंड अ यूरेथ्रा यानी किडनी और यूरेटर पेयर में है यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा सिंगल है किडनीज़ इज रेडिश ब्राउन बीन शेप्ड स्ट्रक्चर सिचुएटेड बिटवीन द लेवल ऑफ लास्ट थोरेसिक एंड द थर्ड नंबर लास्ट थोरेसिक यानी ट्वेल्व नंबर ऑफ थोरेसिक टी ट्वेल्व एंड थ्री एल इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिब्रा क्लोज टू द डोर्सल इनर वॉल ऑफ द एबडोमिनल कैविटी यानी इनर वॉल जो है इसकी डोरसल एबडोमिनल कैविटी से अटैच्ड है इसके बाद आपका आता है कि किडनी का जो एडल्ट ह्यूमन मेजर्स है टेन टू ट्वेल्व सेंटीमीटर इसका साइज़ है लेंथ uh, है फाइव टू सेवन विथ है टू टू सेवन थ्री सेंटीमीटर्स की थिकनेस है एंड विद एन एवरेज वेट ऑफ वन ट्वेंटी टू वन सेवेंटी ग्राम तो इतना हम अच्छी तरीके से कर लेंगे चलिए अब डायग्राम देखते हैं तो अब जब आप डायग्राम देख रहे हैं तो आप इसमें देख रहे हैं कि जो ये आपकी लेफ्ट किडनी है ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ है और राइट right किडनी थोड़ा सा नीचे की तरफ है राइट right किडनी थोड़ा सा नीचे की तरफ इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर क्या है 네. -억 -억 lift… लीवर टू एकोमोडेट लीवर ये लीवर ऊपर प्लेस है इसलिए थोड़ा सा दबी हुई है और राइट लेफ्ट किडनी जो है वो थोड़ी सी ऊपर है किडनीज के ऊपर आप देख पा रहे होंगे एड्रीनल ग्लैंड है जिसे सुप्रा रीनल ग्लैंड या इमरजेंसी ग्लैंड भी बोलते हैं जो कि एड्रीनलिन एंड नॉन एड्र हॉर्मोन सीक्रिट करते हैं रीनल आर्ट्री जो है वो एंटर करती है इसमें जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और मोर यूरिया होता है तब इसे किडनी जो है फिल्टर करती है और रीनल वेन से जब ये निकल कर आता है तो ये डी है क्योंकि ऑक्सीजन तो इसने सेल्स को दे दी किडनी की लेकिन जो यूरिया है वो थोड़ा यूरिन में चला गया फिफ्टी और फिफ्टी यूरिया ये रिटेन करता है ब्लड अपने ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए तो लेस यूरिया है अब आपका आता है हाइलम हाइलम से रीनल आर्टरी एंटर करती है और रीनल वेन निकलती है इसके बाद आपकी किडनी किडनी की लोकेशन क्या है टी ट्वेल्व एल थ्री ये डॉर्सल इनर वॉल ऑफ एपडोम से अटैच्ड है डॉर्सल अरोटा में आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है यूरिटल यूरिन को लेकर आता है और इसमें पेरिस्टेलिटिक मूवमेंट होता है देन यूरिनरी ब्लैडर में ट्रांजिशनल एपिथीलियम होते हैं और डेट्रोसम मसल्स होती हैं जिनमें स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं जो कि पता चल जाता है उसे कि कितना के जो यूरिन है वो फिल हो चुका है तो मैसेज ब्रेन को जाता है देन यूरेथ्रा में दो ओपनिंग्स होती हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंटरनल वाली वॉलेंट्री होती है स्ट्रक्चर देखें, तो बाहरी पोर्शन होगा और इनर पोर्शन होगा मेडुला और जो सोलन पोर्शन है पेल्विस का, उसे पेल्विस बोलते हैं जिससे कि आपका यूरेटर अटैच होता है और फिर जो रीनल वेन है वो रीनल वेन अपना ब्लड किसमें पोर करती है इन्फीरियर वेना कैबा में से हमने पूरा का पूरा अब जो हम पार्ट देख रहे हैं वो ह्यूमन एक्सक्टी सिस्टम का देख रहे हैं तो ह्यूमन सिस्टम कंसिस्ट क्या क्या चीजें हमने पढ़ी थी किडनी वन पेयर यूरेटा पेयर यूरिनरी ब्लड सिंगल सिंगल लोकेशन एंड शेप ऑफ द किडनी देख लें किडनीस कैसी है रेडिश ब्राउन है बीन शेप है यहां पर आप देख सकते हैं कहां पर इनकी लोकेशन है टी यानी ट्वेल्थ थोरेसिक एंड थर्ड लुम्बर लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लुम्बर वर्टिप्रा के बीच में है एंड इट इज क्लोज टू डॉर्सल इनर वॉल ऑफ द एबडोमिनल कैविटी इधर पहले देख लेते हैं फिर मैं इसका मीनिंग बताती हूं आपको एडल्ट जो है किडनी लेंथ कितनी है टेन टू ट्वेल्ल डनी है फाइव टू सेवन सेंटीमीटर है हम लोगों की एबडोमिनल वॉल है और यह वेंटल साइड ऑफ द बॉडी है ये दो किडनी अटैच्ड है यानी इसका डॉसल वॉल किडनी का डॉर्सल और बॉडी का डॉर्सल तो अटैच्ड है डॉर्सल वॉल से

यूरिनरी ब्लैडर है पहले हम ये लोग ये देख लेते हैं यहाँ पर मैंने डॉर्सल अरोटा बना लिया है और ये आपका इनफीरियर वनकवा है ये राइट किडनी है ये हाइलम है जहाँ से हर चीज एंटर होती है कोई भी वेन वगैरह निकलती है एंड दिस इज द पेल्विस रीजन ये सोलन पोर्शन पेल्विस रीजन है यहाँ पर एड्रिनल ग्लैंड है जिसे सुपर रीनल ग्लैंड भी बोलते हैं रीनल आर्ट्री में सबसे ज्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और मोर यूरिया है इसके बाद रीनल वेन डी ऑक्सीजनेटेड एंड लेस यूरिया लेफ्ट किडनी डॉर्सल अरोटा ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजने यूरिन लेकर जाता है और ये क्या है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करता है यूरिनरी ब्लड में

है और ये क्या करते हैं ग्रेट कैपेसिटी टू एक्सपेंड टू स्टोर यूरिन टेम्परेली अब आप देखेंगे कि यूरिनरी ब्लैडर का जो नेक रीजन होता है जो मैंने अभी आपको दिखाया यानी यूरिनरी ब्लैडर का नेक रीजन में दो स्फिंगटर्स होते हैं एक इंटरनल स्फिंक्टर होता है जो कि वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री होता है इंटरनल इनवॉलेंट्री ये इसको लर्न करने का तरीका और एक्सटर्नल स्फिंक्टर वॉलेंट्री यानी इनवेलेंट्री आपके कंट्रोल में नहीं है एक्सटर्नल जो है वो आपके कंट्रोल में है तो ये यूरिनरी ब्लैडर है अंदर वाला जो है वो इंटरनल है या एक्सटर्नल गलती से लिख गया है इसे आप इंटरनल कर लीजिए दिस इज इंटरनल एंड ये जो बाहर है वो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है इसके बाद यूरेथ्रा शुरू होता है तो यूरिनरी ब्लैडर में

यूरेथा क्या है शॉर्ट फॉर्म ऑफ नेक ऑफ यूरिनरी ब्लैडर है जहाँ से यूरिन पास आउट होती है ओपन आउटसाइड द बॉडी यूरिथ्रा जो है फीमेल में छोटा होता है और मेल में बड़ा होता है फीमेल में छोटा होने की वजह से क्या होता है इसमें कि यूरिन जो है रिलीज हो जाती है थ्रू द और यूरेथ्रपर्च जो कि वुलवा में होता है एंड स्मॉल यूरेथ्रा इज द रीजन ऑफ वुमेन टू बिकम प्रोन टू क्योंकि थोड़ा सा ही रास्ता बैक्टीरिया को पास करना है और तुरंत यूरिनेरी ब्लड में पहुंच जाएंगे और वहां पर इन्फेक्शन जनरेट कर देंगे जबकि मेल में ये बहुत लॉन्ग है ट्वेंटी सेंटीमीटर है एंड ये पासिस किससे किससे पास हो रहा है प्रोस्टेट ग्लैंड कोपर्स ग्लैंड और पेनिस यानी पेनिस पहले मिलेगा बैक्टीरिया को फिर कोपर्स ग्लैंड मिलेगी फिर प्रोस्टेट एक लंबा